नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टेस्ट करेंगे बेंचमार्क टेस्ट जो कि Xiaomi कंपनी की ओर से आते हैं Redmi Note 4 और Redmi Note 3 के बीच में। तो अगर आप भी जानना चाहते हो Redmi Note 3 और Redmi Note 4 के बीच का जो कंपैरिजन है बेंचमार्क टेस्ट का, तो आप आज का वीडियो पूरा देखेगा, वो भी HD में देखेगा, तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक है Redmi Note 3 Snapdragon 650 और एक है Redmi Note 4 जो कि है Snapdragon 625। Redmi Note 4 गोल्ड कलर में है और Redmi Note 3 जो कि है वो स्पेस ग्रे कलर में है। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों फ़ोन को बूटअप कर देते हैं, तो कितना टाइम लगता है ये देखते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट। दोनों में MI का लोगो आ चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सबसे पहले बूटअप होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Redmi Note 3 ने थोड़ा सा लीड लेके आगे आ चुका है, जबकि Redmi Note 4 में अभी तक नीचे एंड्रॉयड का सिंबल आया नहीं है। अब जाके Redmi Note 4 में भी एंड्रॉयड का सिंबल आ चुका है, तो देखते हैं कि कौन सा फोन पहले बूटअप हो जाए। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे Redmi Note 4 पहले लीड लेके आगे आ चुका है और यहाँ पे ये सबसे पहले उससे Redmi Note 3 से पहले बूटअप हो चुका है। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे Redmi Note 3 भी बूटअप हो चुका है और Redmi Note 4 भी बूटअप हो चुका है। तो आप यहाँ पे हम जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही फ़ोन है जो कि 3G फ़ोन है और दोनों ही अपना जो MIUI का स्टेबल वर्जन से है। तो अब हम यहाँ पे दोनों का टेस्ट शुरू कर देते हैं। दोनों में फर्स्ट बूटअप पे आपको कितनी GB मिलती है आप ये भी चेक कर सकते हो। फ्री रैम यहाँ पे Redmi Note 4 में आपको 3GB में से 1.9GB अवेलेबल मिलती है, जबकि Redmi Note 3 में 3GB में से 1.8GB अवेलेबल आपको मिलती है। तो दोस्तों अब हम इस दोनों ही फ़ोन में Redmi Note 3 और Redmi Note 4 में हम यहाँ पे एंटीटी बेंचमार्क टेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोनों ही फ़ोन में हम यहाँ पे एंटीटी बेंचमार्क इंस्टॉल है, इसे लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में एक साथ स्टार्ट हो चुका है ये ऐप, तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट शुरू हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3D टेस्ट शुरू हो चुका है। तो दोनों ही फ़ोन में स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले शुरू हुआ था यहाँ पे Redmi Note 3 में शुरू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि Redmi Note 4 में उसके बाद शुरू हुआ है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि Redmi Note 3 में जो कि काफ़ी स्मूथली 3D टेस्ट हो रहा है, लेकिन Redmi Note 4 में आपको यहाँ पे माइनर बग्स दिख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो Redmi Note 4 में आपको थोड़े बहुत बग्स दिख रहे हैं, स्क्रीन लैगिंग दिख रही होगी आपको यहाँ पे, लेकिन पहले टेस्ट शुरू हो चुका था Redmi Note 3 में। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे Redmi Note 4 में काफ़ी बग्स दिख रहे हैं, स्क्रीन लैगिंग हो रही है और यहाँ पे 1080p में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, रेंडरिंग प्रोसेस हो रही है। तो देखते हैं कि कौन से फ़ोन में स्टार्ट वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 3 लीड लेते हुए Redmi Note 4 में भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन दोनों फ़ोन में स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे गेम 3D गेम परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों फ़ोन में एक साथ ही स्टार्ट हुआ था, Redmi Note 3 में थोड़े जल्दी हुआ था, पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप Redmi Note 4 में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आपको थोड़ी बहुत स्क्रीन लैगिंग दिख रही होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक गेम प्ले दिखा रहे हैं, तो Redmi Note 4 में 3D गेम में थोड़ी सी लैग आपको देखने को मिलेगा, जिसकी रीज़न ये है कि आपको इसमें GPU 506 मिल रहा है और Redmi Note 3 में आपको GPU 510 मिल रहा है, Adreno 510, इसलिए आपको वहाँ पे थोड़ी गेम परफॉर्मेंस स्मूथ मिलेगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि Redmi Note 4 में काफ़ी सारे लैगिंग हो रही है और लीड लेते हुए Redmi Note 3 पहले
कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हो रही है और ब्लर इफेक्ट की जो प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पे पेस्टिंग शुरू हो चुका है। तो दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे Redmi Note 3 में पहले स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि अभी रैम स्पीड चेक हो रही है। रैम का परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक हो रहा है, तो रैम के मामले में भी यहाँ पे Redmi Note 3 पहले वर्क थोड़ा लेट लेते हुए फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। और अभी आप यहाँ पे गेम पूरी चेंज हो चुकी है, Redmi Note 4 में CPU की भी परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है और Redmi Note 4 थोड़ा लेट लेते हुए आगे निकल चुका है Redmi Note 3 के कंपेयर में। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से शायद Redmi Note 4 में परफॉर्मेंस बेटर है 625 वाले वर्जन में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि CPU की परफॉर्मेंस चेक की जा रही है, दोनों ही फोन में मल्टीटास्किंग पर अभी वर्क हो रहा है, तो कौन सा फोन मल्टीटास्किंग अच्छा है। तो सारी तरह से यहाँ पे ये पूरा इनपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी Redmi Note 4 देख लेते हुए दिख रहा है हमें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि Redmi Note 4 काफ़ी लेट लेके आगे निकल चुका है Redmi Note 3 के कंपेयर में। तो स्पीड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 625 यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा Redmi Note 3 के 650 के कंपेयर में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन गेमिंग में आपको थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिल जाएंगे Redmi Note 4 में Redmi Note 3 की कंपेयर में, क्योंकि Redmi Note 3 पे काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथली 3D वर्क कर रहा था। 3D गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देखा था जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा था Redmi Note 4 के कंपेयर में, और Redmi Note 4 में आपको थोड़े बहुत स्क्रीन लैगिंग दिख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को फुल HD में देखोगे, आपके YouTube के परफॉर्मेंस में जाके फुल HD करोगे, तो आपको क्लियरली बग्स जो कि लैग्स थे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हो कि Redmi Note 4 में पहले कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ पे स्कोर दिखा रहे हैं 56,344, और यहाँ पे Redmi Note 4 में आपको जो कि स्कोर एंथोथ बेंचमार्क का स्कोर दिखा रहा है वो जो कि है 66824। तो यहाँ पे Redmi Note 3 में एंथोथ बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3D में यहाँ पे Redmi Note 4 को काफ़ी कम स्कोर मिले, जबकि यहाँ पे UX में Redmi Note 3 को अच्छे स्कोर मिले Redmi Note 4 के कंपेयर में, और CPU के मामले में भी यहाँ पे स्कोर में थोड़ा बहुत पीछे रह चुका है Redmi Note 3 से Redmi Note 4। और रैम मैनेजमेंट में भी आपने यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो कि स्कोर है आपको दिख रहे हैं, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे से आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो हम यहाँ पे आज से थोड़ा लो करके दिखा देंगे आपको, क्योंकि आप अपने यहाँ पे क्लियरली स्कोर और सब कुछ देख सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्कोर काफ़ी क्लियरली देख सकते हो कि Redmi Note 4 में Redmi Note 3 के कंपेयर में कम स्कोर है। Redmi Note 3 में आपको 66824 के स्कोर मिला है, और जबकि Redmi Note 4 में आपको 56344 का स्कोर मिला है। और हम यहाँ पे स्कोर की बात करते तो यहाँ पे चेक करें तो रैंकिंग में जो कि फ़ोन है यहाँ पे हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो रियलमी फ़ोन 51 नंबर पे रेडमी नोट 3, और यहाँ पे भी रेडमी नोट 3 को काफ़ी लोअर स्कोर को यहाँ पे हमारा डिटेल्स वाइज काफ़ी लो स्कोर मिले हैं। तो ये तो थे दोस्तों कुछ स्कोर एंटीटी बेंचमार्क के स्कोर। मुझे ये तो थे दोस्तों एंटीटी बेंचमार्क स्कोर। ये एंटीटी बेंचमार्क स्कोर के आप अकॉर्डिंग ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है और कौन सा कम। तो ये तो सिर्फ स्कोर थे। अगर आपको और भी इसी तरह के वीडियो चाहिए रेडमी नोट 3 और रेडमी नोट 4 के कंपैरिजन वाले, तो आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पे इस चैनल पे रेडमी नोट 3, रेडमी नोट 4 और रेडमी नोट 4 के सेम प्राइस में जो आने वाले सारे अलग अलग दूसरे फ़ोन हैं मॉडल के साथ हम उसे कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आप Redmi Note 4 के बारे में और भी जानना चाहते हो या तो फिर इसका कंपैरिजन किसी और के साथ देखना चाहते हो तो हमारा चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय में Redmi Note 4 को अलग अलग और भी डिवाइस के साथ कंपेयर करने वाले हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं हमारे अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।